स्टूडेंट टीच फॉर क्लास फिफ्थ। अब आज हम लोग हिंदी फर्स्ट में लेसन सिक्स की रीडिंग करेंगे। लेसन सिक्स हमारा है कविता अक्कड़ मक्कड़। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरत दोनों अक्खड़। हाट से लौटे ठाट से लौटे, एक साथ एक पाट से लौटे। बात बात में बात ठन गई, बाह उठी और मूछें तन गई। इसने उसकी गर्दन भींची, उसने इसकी दाढ़ी खींची। कवि कह रहा है अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, दोनों मूरख दोनों अक्खड़। दो आदमी थे अक्कड़ और मक्कड़, दोनों ही मूर्ख थे। देखो अक्कड़ मक्कड़ धूल में धक्कड़, अक्कड़ और मक्कड़ जो है धूल से सने हुए थे। धक्कड़ मतलब धूल लपेटे हुए थे। और दोनों मूर्ख दोनों अक्कड़ मतलब दोनों ही मूर्ख थे। हाट से लौटे ठाट से लौटे, हाट मतलब बाजार, बाजार से वे बहुत ही ठाट ठाट मतलब बन कर लौट रहे थे। एक साथ एक बाट से, एक साथ बाट मतलब रास्ता है, एक साथ और एक रास्ते से ही वो लौट रहे थे। बात बात में ठन गई, बाहें उठी और मूछें तन गई। दोनों व्यक्तियों में बात कोई बात हो रही थी जिसमें बात बात में ठन गई मतलब बातों ही बातों में वो लड़ाई करने लगे। उनकी बाहें उठ गई और मूछें जो है तन गई क्रोध से। इसने उसकी गर्दन, किसी ने एक की गर्दन खींची पकड़ ली तो किसी ने दूसरे की दाढ़ी खींच ली। अब वह जीता दोनों का बढ़ चला फजीता। लोग तमाशाई जो ठहरे, सबके खिले हुए थे चेहरे। जो लोग थे वो तमाशा देख रहे थे और वह यह देख रहे थे कि अब यह जीतेगा कि वह जीतेगा। और दोनों में बढ़ चला फजीता मतलब दोनों की लड़ाइयाँ बढ़ चली थी। लोग तमाशा देखने वाले जो ठहरे थे और उनकी लड़ाई को छुड़ा नहीं रहे थे। सबके खिले हुए, सबके चेहरे प्रसन्न थे उन दोनों की लड़ाई को देखकर। मगर एक था कोई फक्कड़, मन का राजा कर्रा कक्कड़। उसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो मन का राजा मतलब मन का अच्छा था। बढ़ा भीड़ को चीर चार, उसने भीड़ को चीर कर आगे बढ़ा। चीर कर मतलब भीड़ में से निकल कर वह आगे आया। अब बोला फिर वह गलत, फिर वह बहुत तेज मतलब बहुत तेज आवाज में बोला, उसने कहा सही वाणी में, डूबो चुल्लू भर पानी में। उसने सही बात कहा, उसने अपने बहुत तेज आवाज में उसने कहा सही शब्द को कहा कि डूबो चुल्लू भर पानी में, कि चुल्लू भर पानी में मतलब डूब मरो। सुनी मूर्खों ने वह वाणी, जब उसकी आवाज़ को उन दोनों मूर्ख ने सुना तो दोनों जैसे शर्म से पानी पानी हो गए। अर्थात अपने झगड़े को बंद करके उस व्यक्ति की बात को सुना। लड़ना छोड़ा अलग हट गए, लोग शर्म से परे हट गए। वो लोग क्या लड़ना अपनी लड़ाई को बंद करके हट गए। और जब वो लोग अपनी लड़ाई बंद कर दिए तो लोग भी शर्म से दूर हट गए। गले मिले अब अक्कड़ मक्कड़, जो अक्कड़ मक्कड़ दोनों व्यक्ति अभी लड़ रहे थे उस व्यक्ति के समझाने से अब दोनों लोग गले मिल गए हैं। ख़त्म हो गया धूल में धक्कड़, सारी लड़ाई ख़त्म हो गई। तो बच्चों ये था आपका कविता। इसको आप इस वीडियो को एक दो बार देख कविता को अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद हम इसके वर्ड मीनिंग को राइट कर देखते हैं। आप लोग कॉपी पे वर्ड मीनिंग को राइट कर लेना। आइए उसकी वर्ड मीनिंग को देखते हैं। हाट मतलब होता है साप्ताहिक या अस्थाई बाजार, हाट का मतलब बाजार होता है। ठन जाना मतलब लड़ने के लिए तैयार हो जाना। तमाशाई मतलब तमाशा देखने वाले, नाहक मतलब बेकार में। अक्कड़ मतलब ढीठ, आफत मतलब मुसीबत। बानी मतलब बाड़ी, गलना मतलब पिघलना होता है। तो आप दिख जरा सा वीडियो इसमें अच्छा जो शब्द नहीं दिखाई दे रहे हम बता दे रहे हैं, आप उसको लिख लेना। तो इस तरह आपका यह
लेसन कंप्लीट होता है, मतलब रीडिंग के लिए आपका होमवर्क है रीड लेसन 6 एंड कंप्लीट योर कॉपी। नेक्स्ट डे हम इसके एक्सरसाइज के साथ और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।